पावर स्टार पवन सिंह से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। जी हाँ, अब फैंस यही पूछ रहे हैं। जहाँ पहला गाना पहले नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, वहीं दूसरे गाने के लिए लोगों ने सोचा कि गणनायक म्यूजिक से तो इनका ये गाना फिक्स आने वाला है। लेकिन तब पवन सिंह ने सभी को चौंका दिया बेस्ट वन म्यूजिक से गाने को रिलीज करके। जी हाँ, उनका दूसरा गाना बेस्ट वन म्यूजिक से रिलीज हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी इस चैनल पर ना ही कोई वीडियो डाला गया है, ना ही किसी बात का एक क्लिप भी डाला गया है कि गाने को प्रमोट किया जाए। जी हाँ, यहाँ गाना डायरेक्ट पवन सिंह का रिलीज किया जाएगा। सभी ये कह रहे हैं कि जब पहला गाना इतना बेहतरीन जबरदस्त था तो दूसरे गाने के साथ पवन सिंह ने ऐसा रिस्क क्यों लिया। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह ये सब कुछ अपने दोस्ती के लिए कर रहे हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के दोस्त हैं इस चैनल के मालिक, यानी बेस्ट वन म्यूज़िक के जो मालिक हैं वो पवन सिंह के दोस्त हैं और दोस्ती के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके दोस्त दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उन्होंने पवन सिंह के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। इसके तहत पवन सिंह उनके एकदम नए चैनल पर अपना पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं गाने का, नवरात्रि का, और ये सभी जानते हैं ये बम्पर हिट होगा। में उनके साथ नीलम गिरी नजर आएंगी। वैसे पावर स्टार पवन सिंह के अभी 2 से 3 गाने और आने बाकी हैं। उनका पहला गाना लोगों के दिलों पर छा गया है तो ये दूसरे गाने पर भी लोग यही प्यार बरसाएंगे, ऐसा सभी को यकीन है। और आप जाकर बेस्ट वन म्यूज़िक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पवन सिंह के कई प्यारे गाने आते रहेंगे।